अंबेडकर नगर के स्वास्थ्य विभाग में बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार आउटसोर्सिंग के तहत तैनात कर्मचारियों से 2 से 2.5 लाख रुपए वसूली कर उन्हें नियुक्ति दी गई, लेकिन 11 महीने बाद उन कर्मियों को नौकरी से निकाल दिया गया। दोबारा ज्वाइनिंग के लिए अब 1.5 लाख रुपए की मांग की जा रही है। जब आए थे तो 2-2 लाख रुपए देख के आए थे, उस समय हम लोग का रिन्यूअल करने के लिए कहा गया था और NHM से जोड़ने के लिए कहा गया था, इसलिए हम लोगों ने किया था। जब हम लोग का 1 साल पूरा हो गया, अब हम लोग को निकाला जा रहा है, कहा जा रहा है अगर आप लोग फिर से पैसा देंगे तब रिन्यूअल होगा, नहीं तो नहीं, 1.5 लाख फिर से मांग रहे हैं। तो पैसा आपने किसको दिया था? उस समय शरद बाबू जी को दिया गया था। अब क्या कहते हैं? अब वो कुछ नहीं कहते, फोन ही नहीं उठाते हैं, और उनका यहाँ से कह रहे थे हमारा ट्रांसफर हो गया, लेकिन डेली यहाँ पे CMO ऑफिस में वो आते जाते रहते हैं। तो अभी बात आई कि जो पैसा दे रहा है उसको रिन्यूअल किया जाएगा, तो पैसा आप कौन मांग रहे हैं? वहीं पे हो रहा है, सब लोग कह रहे हैं शरद बाबू ही, मतलब वो खुद से नहीं मांगते हैं लेकिन कहलवाते हैं कि ऐसे है। सरकार जहां युवाओं को रोजगार देने का प्रयास कर रही है, वहीं विभाग के अधिकारी सरकार को बदनाम करने पर तुले हैं। पैसा लेने का आरोप विभाग के एक बाबू पर लगा है, लेकिन दबंग बाबू के आगे सिस्टम नतमस्तक है। आलम यह है कि ट्रांसफर होने के बाद भी उक्त बाबू का CMO कार्यालय पर कब्जा है। 2.5 लाख रुपए शरद बाबू को दिए थे और वो बोले थे सिक्योरिटी के नाम पे जमा हो रहा, अगर आपका रिन्यूअल नहीं होगा या परमानेंट नहीं होगा तो आपको ये पैसा जब भी आप यहाँ से निकाले जाएंगे वापस हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई वो नहीं हो रहा ना। हम लोग को बिना कोई सूचना के एकाएक बता दिया गया कि आप लोग का यहाँ से कार्य समाप्त हो गया है। स्टाफ नर्स पद पे मामला L2 अस्पताल MCH विंग डांटा का है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 1 साल पहले कोविड में ड्यूटी करने के लिए कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग के तहत नियुक्ति हुई थी, लेकिन 11 माह बाद ये कहकर उन्हें बाहर निकाल दिया गया कि सरकार ने आपकी सेवा समाप्त कर दी है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग का ये कारनामा सवालों के घेरे में है, क्योंकि एक तरफ कर्मचारियों को निकाला जा रहा है और दूसरी तरफ कर्मचारियों की नियुक्ति भी हो रही है। यहाँ पे लैब टेक्नीशियन के पद पे था मैं और शरद वर्मा, 2 लोग की नियुक्ति थी यहाँ पे। मैं गोयर कंपनी से हूँ, 1.5 लाख रुपए मुझे लिया गया मुझसे। इसके बाद वो लोग बोले थे कि अगर आप यहाँ से हटाए जाते हैं तो ये पैसे आपको वापस हो जाएगा, लेकिन ये लोग के पास दोबारा फ़ोन करने पे लोग फ़ोन नहीं रिसीव कर रहे हैं। सिर्फ 5 महीने हमें ड्यूटी कराया गया है जिसमें सिर्फ हम 1 लाख रुपये पाए हैं अभी तक, और हमारे 50,000 वो भी चले गए। अब दोबारा रिन्यूअल का कोई वो नहीं हो रहा है, तो बोल रहे हैं फिर से 1.5 लाख रुपये लगेंगे तब जाके तुम्हें NHM से भर्ती किया जाएगा। जी पैसा तो हमने जैसे इनडायरेक्ट तरीके से लिए थे, वो डायरेक्ट हाथ हैंड टू हैंड नहीं लिए थे, हमने दूसरों के हाथों दिया था। वसूली के खेल का सारा आरोप CMO ऑफिस में तैनात बाबू शरद श्रीवास्तव पर लगा है, जिसमें किसी के 2 लाख तो किसी के 2.5 लाख रुपए लेकर ये कह दिया गया कि ये सिक्योरिटी धनराशि है। अभी आउटसोर्सिंग पर नियुक्ति हो रही है, बाद में NHM में ट्रांसफर हो जाएगा और यदि कोई हटाया जाता है तो उसको पैसा वापस कर दिया जाएगा। लेकिन अब कर्मचारियों से नवीनीकरण के नाम पर 1.5 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं, न देने पर निकाल दिया जा रहा है। पीड़ित कर्मचारियों ने इसकी शिकायत CMO, CDO और DM से भी की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अम्बेडकर से कार्तिकेय की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।